हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं ये बेस है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में जो भी बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, केवीएस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी कंप्यूटर आएगा 10 मार्क्स के लिए। फिर आईबीपीएस के जो मेन का एग्ज़ाम होता है उसमें भी कंप्यूटर आते हैं, तो उसी पे जो है वीडियो लेके आए हैं। बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर कि बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है कंप्यूटर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कुछ थ्योरी बताएंगे, फिर उसमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे टॉपिक वाइज वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से ही। देखिए, सबसे पहले होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होते हैं? देखिए, कंप्यूटर में जो है ये सब कुछ होता है। कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, सीपीयू हो या माउस हो, ये इन सबसे मिलकर जो एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म देख लीजिए। देखिए, कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ओरिएंटेड, भी कह सकते हैं कॉमन ऑपरेटिंग भी आ सक लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूजर अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, देखिए, सी फॉर कॉमन ओरिएंटेड की जगह हम ऑपरेटिंग भी लिख सकते हैं। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड, ठीक है, पर्टिकुलरली यूज अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। मेन चीज़ है इन्हें याद रखना, रिसर्च, एजुकेशनल, टेक्निकल, यूनाइटेड, पर्टिकुलरली मशीन ऑपरेटिंग या ओरिएंटेड या कॉमन। ठीक है, ये होती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। ठीक है, फिर कंप्यूटर होता क्या है ये देखते हैं अभी। देखिए, कंप्यूटर की अगर हम डेफिनेशन देखें कि कंप्यूटर हमारा क्या होता है, कंप्यूटर होता है हमारा एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस डाटा एंड कैन बी प्रोग्राम्ड विद इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर इज कंपोज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड कैन एग्जिस्ट इन ए वेराइटी ऑफ साइज एंड कॉन्फिग्रेशन। देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है सबसे पहले तो कंप्यूटर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो स्टोर कर सकती है, रिट्रीव मीन्स हमें देती है, प्रोसेस करती है डाटा को। पहले डाटा को स्टोर करती है मीन्स पहले हम डाटा उसमें जो है देते हैं, इनपुट द डाटा एंड देन प्रोसेस द डाटा एंड देन गिव्स द आउटपुट। अगर इसे स्टेप वाइज देखिए, और ये देखा क्या कह रहा है, कंप्यूटर किससे बन रहा है? कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से ही बनता है। अकेले हार्डवेयर से तो नहीं चलेगा कंप्यूटर, सिर्फ हार्डवेयर से हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे कंप्यूटर कुछ काम नहीं करेगा। विदाउट सॉफ्टवेयर, या फिर ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट ए प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर जो बनता है वो बनता है हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर दोनों से ही, एंड कैन एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ साइजेस एंड कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, कंप्यूटर जो है अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं। पहले देखा होगा आपने, कंप्यूटर जो आते थे वो टीवी की तरह होते थे पीछे से। अब आजकल जो है फ्लैट टीवी आए हैं, तो फ्लैट कंप्यूटर्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग साइजेज में अवेलेबल है कंप्यूटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसी की डेफिनेशन अगर स्टेप वाइज देखिए तो कैसे होगा कि पहले जो है डाटा लेता है वो एज ए इनपुट। ठीक है, स्टोर करता है डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो भी उसे मिली थी मेमोरी में, और यूज़ कर सकते हैं उसे जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उनकी, जब भी हमें ज़रूरत होगी। तो हम उन जो हमारे पास डाटा लिया था हमने एज ए इनपुट, हम उसे जो है स्टोर कर सकते हैं और उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी उसकी ज़रूरत होगी। फिर क्या करेगा, प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। फिर कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। अकेले डाटा कुछ भी नहीं होगा जब तक वो प्रोसेस्ड होके हमें इंफॉर्मेशन की फॉर्म में नहीं मिलेगा। डाटा तब तक कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो प्रोसेस्ड करेगा वो डाटा को और कन्वर्ट करेगा किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन में जिस जो हमारे काम आ सके। ठीक है, फिर जनरेट करेगा वो आउटपुट। इसी के साथ साथ वो कंट्रोल करता है जितने भी 4 स्टेप्स हैं वो कंप्यूटर्स को। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक आ गया प्रोसेस द डाटा। ये प्रोसेस कौन करता है, ये जो काम है ये कौन करता है? प्रोसेस करता है प्रोसेसर। और प्रोसेसर कौन, किसी का आ जाता है कंप्यूटर में, सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो हमारा प्रोसेसर होता है जो प्रोसेस करता है और डाटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। ठीक है, सीपीयू में भी हमारे पास 2 चीज़ होते हैं, सीयू एंड एएलयू। सीयू मींस कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू मींस अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये कंट्रोल कर रहा है, कौन करता है ये? सीयू, कंट्रोल यूनिट, सीपीयू करवाता है ये। ठीक है, एएलयू जो होता है हमारे में जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उनके लिए हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, इसके लिए हम एएलयू यूज़ करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमने पढ़ा ही था किसी भी किस किस से बना है, हार्डवेयर से बना है, सॉफ्टवेयर से बना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच। हार्डवेयर कौन सा होता है जिसे हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मॉनिटर है, हम उसे टच कर सकते हैं, तो वो क्या है, हमारा हार्डवेयर है, सीपीयू है। सीपीयू देखिए रहा, मॉनिटर है उसे टच कर सकते हैं, कीबोर्ड है उसे भी टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, स्कैनर को टच कर सकते हैं, ये सभी क्या है, हमारे हार्डवेयर है। बट इनमें से भी कुछ ऐसी हैं जो कुछ जो है इनपुट डिवाइसेस है, मींस जिनसे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, और कुछ जो है हमारी आउटपुट डिवाइस है जिसमें हमें जो है रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जो आउटपुट के फॉर्म में जो रिजल्ट आता है वो हमें देता है। अब देख लीजिए, अगर हम एक एग्जाम्पल ले कि कैसे हम इनपुट देते हैं, तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम एटीएम का। ठीक है, एटीएम जब हम जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, तो हम एक पिन कोड दबाना होता है, और वो किससे हम दबाते हैं, उसके पास क्या होता है, कीपैड होता है, मीन्स उसमें हम पहले इनपुट देते हैं तभी हमें आउटपुट मिलता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में होता है कि पहले हम जो है इनपुट देंगे उसमें, मीन्स हमने उसमें पिन कोड डाला, जो भी था कीपैड से डाला, तो कीपैड हमारा क्या हो गया, हम उससे इनपुट दे रहे हैं, तो वो हमारी इनपुट डिवाइस होगी। और जब हमें वो इसी तरह कंप्यूटर में देखें, तो हम कीबोर्ड से जो है इनपुट देंगे कंप्यूटर में, और कंप्यूटर पे जो मॉनिटर जो स्क्रीन पे जो रिजल्ट दिखाई देगा वो क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। तो कहाँ दिखाई दे रहा है, वो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो स्क्रीन क्या होगी, हमारी आउटपुट डिवाइस हो गई। और ऐसे जिससे डाटा हमने एंटर किया था उसमें, वो क्या हो गई, हमारी इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो पढ़ेंगे इनके बारे में भी कि कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शन दैट मेक द कंप्यूटर वर्क। सॉफ्टवेयर बताया था मैंने पहले ही कि विदाउट प्रोग्राम कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग, कि जब तक हमारे पास प्रोग्राम्स या हमारे पास सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे तब तक कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो हमारे प्रोग्राम्स जो क्या होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, या जो जो भी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, जिससे कंप्यूटर काम करता है। ओके, चाहे उसमें पेंट ले लीजिए आप, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ले लीजिए, एक नोट पैड हो गया, ये सारी चीज़ क्या है, सॉफ्टवेयर से ही। ओके, नेक्स्ट देखें। अब देखिए हार्डवेयर कंपोनेंट पढ़ेंगे हम, इनपुट डिवाइसेस से बनता है पहले तो सबसे। ठीक, ये देखिए इनपुट डिवाइसेस, हाउ टू टेल इट व्हाट टू डू। इसमें क्या कह रहा है कि हमें ये बताना होता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड एंड माउस आर स्टैंडर्ड वे टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ठीक है, अदर डिवाइसेस इंक्लूड जॉयस्टिक एंड गेम पैड्स यूज प्राइमरली फॉर गेम्स। तो मेन जो होती हैं इनपुट डिवाइसेस में, जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी माउस एंड कीबोर्ड। माउस एंड कीबोर्ड तो हम यूज़ करते ही करते हैं, बाकी भी हैं जो हम यूज़ करते हैं, बट ये दोनों तो जो है प्राइमरली ज़्यादा यूज होती है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट डिवाइस, हाउ इट शोज यू व्हाट इज डूइंग। ये हमें फिर दिखाता है कि हमने क्या क्या है। ठीक है, तब द मॉनिटर इज हाउ द कंप्यूटर सेंड इन्फॉर्मेशन बैक टू यू, कि कंप्यूटर जो है इन्फॉर्मेशन जो वापस हमें देगा जब मतलब डाटा जो आउटपुट जो हमें देगा वो कौन दिखाता है, मॉनिटर दिखाता है। तो एक प्रिंटर भी जो भी है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। ओके, देख लेते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास सबसे पहले है माउस। ठीक है, देखिए माउस का क्या यूज़ होता है, माउस हम जो है एक इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। हम जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो एक कर्सर दिखाई देता है, जब भी हमें लिखना शुरू करना हो या कर्सर को आगे पीछे करना हो, तो हम ये मूवमेंट जो होती है उसकी कर्सर की, वो किससे कर सकते हैं, हम माउस से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, माउस को जो है हम बोलते हैं कर्सर कंट्रोल डिवाइस। माउस को जो है कर्सर कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन। इसके अलावा कुछ 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 माउस ऐसे भी आते हैं जिसमें बीच में जो है एक बोल सी होती है, बटन सा होता है, या बटन होता है या बोल सी होती है स्क्रीन इस पर। ठीक है, व्हील सा होता है, मतलब एक पहिए की तरह से होता है, बिटवीन द बटन्स होता है वो। ठीक, ये होता है माउस, जो हम जो है कर्सर दिखाई देता है उसकी मूवमेंट के लिए जो है माउस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज
स्टिल द कॉमनेस्ट वे ऑफ एंटरिंग इन्फॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर. हम जब हमारे जब स्क्रीन पे जो है हम इनपुट देते हैं तो किसके द्वारा जाता है? हमारा कीबोर्ड द्वारा जाता है. हमें कुछ भी प्रेस करना होता है हम किससे प्रेस करते हैं? कीबोर्ड से प्रेस करते हैं. ठीक है, तो कीबोर्ड भी पहले दो साइज़ का आता था. एक होते आते थे जिसमें 84 कीज़ होती थी, फिर 101 और 102 कीज़ का भी आने लगा. अब जो है नया जो आता है वो उसमें वो 104 कीज़ का भी आ रहा है और 108 कीज़ का भी आ रहा है. ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ कीज़ होती हैं. ठीक है, सबसे पहले होती है टाइपिंग कीज़. ये जो दिखाई दे रही है आपको ABCD, ये वाली और ये 9 तक, ये होती है हमारी टाइपिंग कीज़. टाइपिंग कीज़ में जो है हम इंक्लूड हमारी लेटर्स हैं, जैसे A से Z तक, ये होती है हमारी टाइपिंग की A से Z, और 0 से 9, ये दोनों ही हमारी क्या हैं? टाइपिंग कीज़ होती हैं. ओके, इसके अलावा जो है कीबोर्ड में होता है न्यूमेरिक कीपैड. न्यूमेरिक कीपैड देखिए ये इधर है. ठीक है, इसमें 17 कीज़ होती हैं. इसमें टोटल जो है 17 कीज़ होती हैं. आप गिन सकते हैं वैसे, 4, 3, 7, 3, 10, फिर 13, 14, 15, 16, 17 के आसपास आएंगे. ठीक है, तो इसमें 17 कीज़ होती हैं. ये जो हमारा होता है न्यूमेरिक कीपैड. ठीक है, और इसके बाद आती है हमारी फंक्शन कीज़. फंक्शन कीज़ ये ऊपर होती हैं, ये वाली यहाँ पे दिखाई देती है, हमें लिखा हुआ है जैसे F1, F2, F3 एंड F12 तक होती हैं ये. ठीक है, तो 12 फंक्शन कीज़ होती हैं. ये पेपर में पूछा जा सकता है कि कितनी फंक्शन कीज़ होती हैं. ठीक है, तो 12 फंक्शन कीज़ होती है हमारे पास. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट होती है इसमें कंट्रोल कीज़. कंट्रोल कीज़ भी होती है, जैसे एक बिल्कुल यहाँ पे ये दिखाई देगा आपको, ये वाली, ये कंट्रोल कीज़ है हमारी ESC. ठीक है, एक आल्ट होती है, आल्ट ये रही यहाँ पे, ये भी क्या है एक वो कंट्रोल की है. पेज अप पेज डाउन करने के लिए दिख रहे हैं आपको, ये भी हमारी कंट्रोल कीज़ होती हैं. उसके अलावा डिलीट हो गया, डिलीट भी जो है हमारी कंट्रोल की होती है. ऑल्ट हो गया, एंड हो गया, इंसर्ट हो गया, होम हो गया, क्या है? कंट्रोल कीज़ हैं. इसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ भी होती हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली चीज़, ये लंबा सा बटन जो है, ये मेरा क्या है? स्पेशल पर्पस कीज़ है. ठीक है, स्पेस बार बोलते हैं जिसे. इसके अलावा टैब होता है यहाँ पे, कि ये टैब है. इसके अलावा ये कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक भी यहाँ पे है. शिफ्ट है, देखिए ये टैब है, ये कैप्स लॉक है, ये शिफ्ट है, ये स्पेस टैब है जिससे हम स्पेस देते हैं. जैसे कुछ हम लिख रहे हैं और हमें स्पेस चाहिए तो हम इसका यूज़ करते हैं, स्पेस टैब का. ठीक है, एक इसमें प्रिंट स्क्रीन होता है, उसके लिए वो भी हमारा स्पेशल पर्पस कीज़ होती है. नंबर लॉक की कीज़ होती है, यहाँ से होती है, वो भी हमारी क्या होती है? स्पेशल पर्पस कीज़ होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रैकर बॉल. ट्रैक बॉल भी क्या एक इनपुट डिवाइस होते हैं. मोस्टली जो है इसे हम यूज करते हैं गेम खेलने के लिए यूज करते हैं, और ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है हमें? लैपटॉप कंप्यूटर्स में मिलता है. लैपटॉप कंप्यूटर्स में जो है हम इसे यूज़ करते हैं. ठीक है, और ये बहुत सारे शेप्स का आता है, जैसे बॉल की शेप का भी आता है, स्केयर की शेप का भी आता है, और ये बटन की शेप का भी जो है ट्रैक बॉल आता है. ठीक, अलग अलग शेप्स में अवेलेबल है. नेक्स्ट देखते हैं स्कैनर. स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है. ठीक है, स्कैनर अलाउ करता है मे यू टू स्कैन प्रिंटेड मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू ए फाइल फॉर्मेट दैट मे बी यूज विद इन द PC. स्कैनर जो होता है हमारा बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन की तरह ही दिखता है, उसी की तरह कुछ काम करता है ये. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टच पैड. टच पैड हमने लैपटॉप में देखा होगा, डिवाइस दैट लीज ऑन द डेस्कटॉप एंड रिस्पॉन्स टू द प्रेशर. यहाँ से जिस बिल्कुल उसी की तरह काम कर रहा है ये, देखिए लैपटॉप में जो टच पैड होता है वो माउस की तरह काम करता है, जब हमें कर्सर कंट्रोल करना हो तो वो काम कर देता है. ठीक है, यही होता है हमारा टच पैड. लाइट पेन यूज टू अलाउ यूजर टू पॉइंट टू एरियाज ऑन ए स्क्रीन. स्क्रीन पे यूज़ करते हैं, जैसे देखिए हम इसमें माउस का यूज़ ना करके हम लाइट पेन का यूज़ कर रहे हैं.
सिमिलर होता है, बिल्कुल एक पेन की तरह होता है, बिल्कुल पेन की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। यूज़ करते हैं टू सिलेक्ट ए डिस्प्ले मेन्यू आइटम, या फिर पिक्चर ड्रॉ करनी हमें अगर मोनिटर स्क्रीन पे, तो वो हम अपने हाथ से ही कर देते हैं, मतलब पेन द्वारा, ठीक। तो ये होता है लाइट पेन। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक हम यूज़ करते हैं गेम्स खेलने के लिए। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। और ये जॉयस्टिक जो होता है मूव कर सकता है ऑल फोर डायरेक्शन, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ जो, ठीक है। ये मेनली कहाँ यूज होता है, जो फंक्शन होता है जॉयस्टिक का, वो बिल्कुल सिमिलर है माउस की तरह ही है। और मेनली जिसे हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और अगर हमें गेम्स खेलने हो उसमें भी जो हम यूज़ करते हैं। कैड की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो कैड की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है, कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये पूछी जा सकती है कैड की, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और लाइक जॉयस्टिक का यूज़ भी जो है हम कैड में यूज़ करते हैं और कंप्यूटर गेम्स में खेलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आउटपुट डिवाइस देखते हैं हम। मॉनिटर, द कंप्यूटर स्क्रीन इज यूज फॉर आउटपुटिंग इन्फॉर्मेशन इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। हमें पता है जब हम इनपुट डालते हैं तो हमें आउटपुट जो है इसी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, तो क्या हो गया, हमारी आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर को किस और नाम से भी जाना जा सकता है, कई बार क्या होते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए मॉनिटर का मॉनिटर ना डाल के ऑप्शन में डालते हैं VDU। VDU होता है हमारी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर खाली डिस्प्ले भी जो है ये ऑप्शन में रखते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन, स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं मॉनिटर की जगह, VDU यूज़ करते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या VDT वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले के कंप्यूटर अगर हम, पहले के मॉनिटर्स अगर देखे हो आपने, वो बिल्कुल टीवी की फॉर्म के जैसे होते थे, टीवी की तरह पीछे से होते थे। अब आजकल तो जो है फ्लैट चल रहे हैं, तो वो जो टीवी जैसे होते थे उनमें लगा होता था CRT। CRT होता है हमारा कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसकी, CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। या ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे कंप्यूटर होते थे लुक लाइक टीवी, उनमें क्या होता था, तो CRT होता था, उनमें कैथोड रे ट्यूब होता था, ठीक है। आजकल तो फ्लैट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रिंटर, देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लेजर प्रिंटर आर मोस्ट कॉमनली यूज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे कैन प्रिंट वेरी फास्ट, गिव यू वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट। आजकल जो प्रिंटर्स यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं लेजर, लेजर प्रिंटर जो है यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो टेक्स्ट क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है और फास्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी अच्छा होता है इसका, ठीक है। और वैसे अगर देखें तो प्रिंटर्स जो होता है हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ये पूछा जा सकता है प्रिंटर्स कितने टाइप का होता है, तो टू टाइप का होता है। एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये टू टाइप का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो थे वो हम पहले यूज़ करते थे, अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स को यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे। इसलिए अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो दो तरह के होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास। एक होता है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स, इम्पैक्ट प्रिंटर में दो तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और सेकंड होता है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते थे, और इनकी जो क्वालिटी होती थी टेक्स्ट की वो भी कोई खास नहीं होती थी, अच्छी नहीं होती थी मतलब, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी जो है हमारे पास होता है इंक जेट प्रिंटर होता है एक हमारे पास, इंक जेट प्रिंटर, दूसरा हमारे पास है लेज़र प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर की भी जो है क्वालिटी अच्छी थी है, बट लेज़र की उससे ज़्यादा बेटर है, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जो है लेज़र प्रिंटर को ही यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं प्लॉटर, प्लॉटर भी क्या एक आउटपुट डिवाइस ही है, सिमिलर है बिल्कुल प्रिंटर की तरह, बट ये नॉर्मली अलाउ करते हैं यू टू प्रिंट लार्ज इमेज, एंड वन मोर थिंग कलर्ड इमेज आती है इसमें, देखिए तो पूछा जाता है कि कलर्ड इमेज किससे हम ले सकते हैं, तो वो होता है हमारा प्लॉटर। किससे मिलती है हमें कलर्ड इमेज ऐसी कैसी, तो मिलती है हमें प्लॉटर से। स्पीकर एनहेंसेज द वैल्यू ऑफ एजुकेशनल एंड प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट्स। स्पीकर्स का हमको सब कोई बताया कि स्पीकर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ये तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। उसके बाद
जितना हमने पढ़ा है ये थ्योरी, उसमें से जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकले हैं मीन्स पूछे जा सकते हैं, इसमें से 15 जो है क्वेश्चंस जो हैं थ्योरी से जो है निकाले हैं कि जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले यही पूछा जा सकते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखिए, तो ये देखिए सी से बनता था हमारा कॉमन, कॉमन फिर ऑपरेटिंग या ऑपरेटेड या ओरिएंटेड, तो ऑपरेटिंग कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये होती है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो ये पूछी नहीं जाती, बट फिर भी पता होना चाहिए कि मे भी पूछ लें आगे कोई एग्जाम हो कि उसमें कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। वैसे आज तक तो पूछी नहीं गई कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फिर भी पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस पूछा, अब हमें पता है इनपुट डिवाइस होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और जो कंप्यूटर हमें देता है वो होता है हमें आउटपुट। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है गिव डाटा टू कंप्यूटर थ्रू डिवाइसेस, मीन्स डाटा जो है हम कंप्यूटर को दे रहे हैं थ्रू डिवाइस, या फिर टेक्स्ट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू डिवाइस, या फिर प्रोसेस डाटा फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू डिवाइस, नन ऑफ अबव। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को थ्रू डिवाइसेस, तो इसका आंसर जो होगा गिव डाटा टू कंप्यूटर, डाटा जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं थ्रू डिवाइस, तो वो हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। अगर हम कंप्यूटर से डाटा लेंगे, मतलब कंप्यूटर से डाटा जो है हमें मिल रहा है, तो वो होती है हमारी आउटपुट डिवाइस, इसमें इनपुट डिवाइस यही होगी। ठीक है, फिर एक कंप्यूटर इक्विपमेंट इट सेल्फ इज कॉल्ड, कंप्यूटर इक्विपमेंट इट सेल्फ, जो कंप्यूटर के इक्विपमेंट जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ये क्या है कहलाते हैं हमारे, माउस कीबोर्ड ये हमारे होते हैं हार्डवेयर, क्या होते हैं हमारे हार्डवेयर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज नेम्ड एज प्योर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, नन ऑफ दिस। ह्यूमन इंटेलिजेंस तो होता नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, तो कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है वो क्या कहलाता है, इनपुट तो होता ही नहीं है, डाटा भी नहीं होता क्योंकि डाटा जो हम देते हैं वही इनपुट कहलाता है, मेमोरी भी नहीं होता क्योंकि मेमोरी तो होता है स्टोर करने के लिए, जो हम डाटा देते हैं उसके लिए हम मेमोरी यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, तो जो ये हमें रिजल्ट प्रोड्यूस्ड कर रहा है तो वो रिजल्ट जो होता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, अब इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा, देखिए कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्कैनर भी है, ऑल ऑफ थ्री, तो तीनों ये क्या है, ये हमारी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रैक बॉल, यूज्ड इन सीपीयू, नो, यूज्ड इन लैपटॉप, यस, ट्रैक बॉल जो लैपटॉप में यूज़ करते हैं हम, यूज्ड इन मॉनिटर्स, मॉनिटर्स में भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो यूज्ड इन लैपटॉप, लैपटॉप्स में जो है हम ट्रैक बॉल को यूज़ करते हैं, और बताया ही था मैंने कि किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, बटन की शेप का हो सकता है, स्क्वायर की शेप का हो सकता है, या फिर बॉल की तरह हो सकता है, बिल्कुल ओके। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिकली प्रिंटर्स आर ऑफ टाइप्स, टाइप्स पूछे कि प्रिंटर कितनी तरह का होता है, अभी बताया था कि प्रिंटर जो होता है वो दो तरह का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट, और दूसरा होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्रिंटर्स, टाइप ऑफ प्रिंटर्स पूछा, इसने लेजर एंड थर्ड नहीं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट होते हैं, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील तो जो होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, और लेज़र और इंक जेट या यहाँ पे अगर थर्मल होता, थर्मल प्रिंट, ये कहते हैं हमारे नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील होते हैं हमारे इम्पैक्ट। नेक्स्ट है वीडीयू इज ऑल्सो कॉल्ड, ये भी बताया मैंने, वीडीयू क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले आ गया मीन्स किससे रिलेटेड है, मॉनिटर से रिलेटेड है, स्क्रीन से रिलेटेड है, तो ये बोथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो मॉनिटर को हम स्क्रीन भी कह सकते हैं, वीडीयू भी कह सकते हैं, वीडीटी भी कह सकते हैं, ओके, डिस्प्ले भी खाली। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड, 12, 13, 14, 15, बताया था मैंने कि F1 से F12 तक कीज होती हैं इसमें,
सबसे ऊपर थी बिल्कुल कीबोर्ड में, तो वो होती हमारी फंक्शन कीज, तो 12 होती हैं वो, F1 से F12 तक। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज ऑफन यूज टू सिलेक्ट और हाईलाइट। अगर हमें कुछ सिलेक्ट करना है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, माउस का। हाईलाइट करना है हमें तो भी हम माउस का यूज़ करते हैं। ओके नेक्स्ट, विच आर यूज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिजाइन ऑन पेपर, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, ट्रैक बॉल, प्लॉटर्स, लाइट पेन या फिर जॉयस्टिक। ट्रैक बॉल, प्लॉटर्स, लाइट पेन या फिर जॉयस्टिक। तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं प्लॉटिंग ग्राफ्स के लिए, प्लॉटिंग आ गया तो ऑब्वियसली क्लियर हो रहा है, प्लॉटर्स ही यूज़ करते हैं, डिज़ाइन ऑन पेपर्स। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। सीमर क्रे, अगस्टा एडेमिंग, चार्ल्स डैपिस और मार्कोनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूजली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, कि कंप्यूटर जो है वो कहाँ से आया है, वह जर्मन, फ्रेंच, लैटिन या अरेबिक। जो कंप्यूटर आया है वो आया है लैटिन से, लैटिन के कौन से वर्ड से आइए भी पूछ सकते हैं, तो वो आया है कंप्यूटर, कंप्यूटर या फिर कंप्यूट। और इसका क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेट करना। ठीक है, ये थे आज का टॉपिक, और इसमें से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कंप्यूटर के आगे जो टॉपिक आएंगे, मेमोरी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, या फिर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है कि कंप्यूटर कितनी जनरेशन में यूज़ हुआ है, वो सब जो होगा वो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।